दोस्तों हमारे पढ़ने का तरीका में अपडेट आने वाला है, आज से ही अपडेट आने वाला है भाई। हर चीज़ में समय के आधार पर अपडेट आता है, तो मैं भी सोचा कि हम लोग भी अपडेट करते हैं। ये अपडेट कैसा रहेगा थोड़ा बताना तो नीचे कमेंट सेक्शन में। देखो हम लोग क्या करते थे, चैप्टर पढ़ते थे और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज करते थे, चैप्टर पढ़ते थे और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज करते थे। लेकिन यार ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब मैंने सोचा है कि चैप्टर पूरा एक बार ख़त्म कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज को मस्त से करते रहो। पहले एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों का वीडियो सेपरेट नहीं हो पाता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर वाला अलग वीडियो रहे और एक्सरसाइज वाला अलग वीडियो रहे, ठीक रहेगा ना? हाँ भाई, ऐसे में तुम्हें एग्ज़ाम का तैयारी करने में भी आसानी होगी। तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद चैप्टर तो तुम पहले से पढ़े होगे। तो चलो आज से ही ये अपडेट को चालू करते हैं। चैप्टर को ख़त्म करना है, लेकिन आज नहीं, दो पार्ट में ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है यार। चैप्टर 3 को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, इसी एग्ज़ाम्पल से आज समझना चालू करेंगे। दो इक्वेशन ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना। तो चलो इसको आप पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यार, ये सब चीज़ तो पुराना हो गया है, बताना का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलो मैं करते जा रहा हूँ, तुम देखो। एक्स को अलग अलग कर दिए, तो चलो इसका मैं एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग लिख देता हूँ, उसके बाद ग्राफ बनाना चालू करेंगे। तो दोस्तों मैंने इसका वैल्यू लिख दिया है, तो इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इसे मिटा दिया, ग्राफ भी बन गया। चलो तो अब इसको पॉइंट करना चालू करते हैं। सबसे पहले 3.1, उसके बाद 1.2, वहाँ यहाँ पर पॉइंट होगा, उसके बाद 5.0 यहीं पर होगा, इसको मिला देते हैं। यार तुम कोमा करके लिख लेना, मैं थोड़ा अभी जल्दी में हूँ इसलिए खाली लाइन बना देता हूँ। मैं जो समझाना चाहता हूँ उसी को सिर्फ समझाऊँगा। अभी सेकेंड वाला ग्राफ बनाते हैं, 6.-6, 5.-7 और 7.-5। हाँ ये हो गया यार, मैंने इसे मिला दिया है। तो देखो हमारा दोनों लाइन कहाँ पर टच कर रहा है, इधर एक्स को मैं बढ़ा देता हूँ, वाई तो यहाँ पर है ही है। तो देखो यहाँ पर एक्स में 10 और वाई में -4, तो 10.-4, एक्स का वैल्यू 10 हो गया और वाई का वैल्यू -4 हो गया। तो हमारा इक्वेशन में जो एक्स था ना भाई, तो उस एक्स का वैल्यू 10 होगा और वाई का वैल्यू -4 होगा, और यहाँ यही पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा। एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया तो इसका सॉल्यूशन मिल गया, तो इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। जहाँ पर दोनों ग्राफ टच करता है, तो वही ग्राफ का कोऑर्डिनेट को सॉल्यूशन कहते हैं। यार लेकिन हर समय ऐसा थोड़ी ना है कि ग्राफ ऐसा ही हो, दोनों लाइन आपस में टच ही करे, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे। ग्राफ तो दूसरा मॉडल से भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखो ग्राफ ऐसा हो सकता है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल रहे, ऐसे में तो एक पॉइंट पर भी दोनों लाइन आपस में टच नहीं करेंगे। यार अगर ऐसा ही लाइन पैरेलल रहे ना, तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, उस इक्वेशन का तुम्हें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। और वैसा ग्राफ जिसमें दोनों लाइन किसी पॉइंट पर टच करे, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, उसका एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। और एक केस हम लोग ये भी पढ़े थे, को इंसिडेंट लाइन वाला केस, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाता है, को इंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पर तो हर पॉइंट पर लाइन टच कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कौन होगा? यार तुम इसमें से कोई भी पॉइंट को सॉल्यूशन मान सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। एक्सरसाइज में तुम्हें सॉल्यूशन निकालने बोलेगा, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन निकालने बोलेगा। यार कोई ऐसा उपाय है या फिर कोई ऐसा ट्रिक है जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी इक्वेशन को देखने के बाद ये पता कर सके कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा, इस इक्वेशन में जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा? यार यही ट्रिक को मैं अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत गजब ट्रिक है यार। इस ट्रिक के हेल्प से तुम पता कर सकते हो कि कौन सा इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा। बस ये याद रखना कि इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो चलो एक इक्वेशन से ही एग्जांपल से तुम्हें मैं समझाता हूँ। देखो यार कोई भी इक्वेशन रहता है उसमें तीन चीज़ रहता है, ए बी और सी। भाई तुम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, मैं तुम्हें बताया था, मुझे पूरा याद है। क्या बताया है, चलो एक बार फिर बता देता हूँ, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो इन दोनों इक्वेशन का ए बी और सी को गोल गोल कर लेता हूँ, ठीक है भाई। लेकिन पहले 6 को इधर भेज लेता हूँ, इक्वल टू के इधर भेज लेता हूँ, इधर भेज लूँगा तो इसमें माइनस साइन लग जाएगा, तो सबको मैंने गोल कर लिया है। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन को ए बी सी मानो, लेकिन ए वन
B1 C1, सेकेंड वाला इक्वेशन का A2 B2 और C2, ये मानो। ठीक है यार, हम लोग तीन केस के बारे में डिस्कस करेंगे। केस वन में A1 by B1 नॉट इक्वल टू A2 by B2, ये केस वन है। A1 by B1 A2 by B2 के इक्वल टू नहीं होगा। अच्छा, केस टू में A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2, बट B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। अच्छा, केस थ्री में क्या होगा? केस थ्री में तीनों का तीनों इक्वल हो जाएगा। तुम सोच रहे होगे यहाँ पर C1 by C2 का है ना लिखा यार। भाई केस वन में ना इतना ही से काम चल जाता है, बाकी इधर का ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए मैं ये नहीं लिखा। कहे यार फालतू का चीज़ का है लिखना, इसलिए मैंने इतना ही लिखा, इतना ही का ज़रूरत पड़ता है। कोई भी इक्वेशन का A1 by B1 नॉट इक्वल टू A2 by B2 ये आता है तो उस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। दिमाग में छाप लो, यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ग्राफ के लाइन का बात कर रहा हूँ ना, इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसा काटेगा। कोई भी इक्वेशन का A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2 ऐसा रहा तो उस इक्वेशन का लाइन पैरेलल होगा, मतलब उस इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तुम निकालते निकालते थक जाओगे लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर कोई भी इक्वेशन में A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 आता है तो उस इक्वेशन का ग्राफ वाला लाइन कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन होगा और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। ये तीनों चीज़ याद कर लो। याद क्या करोगे समझो ना यार, जिसमें तीनों इक्वल होता है इसका मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, जिसमें लास्ट वाला एगो इक्वल नहीं होता उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जिसमें फर्स्ट वाला नॉट इक्वल हो जाता है तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। ऐसा करके तुम जैसा मन वैसा याद कर सकते हो। अब हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन को। यार ग्राफ ग्राफ बहुत हो गया, अब तुम्हें ग्राफ नहीं पढ़ना है, छुट्टी मास्टर कर मुड़ी फुट्टी। अब तुम्हें कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफ बनाने का कोई झंझट नहीं, बस ऐसे ही हाथ हिला के सॉल्यूशन निकलेगा, ऐसे ही नंबर से सॉल्यूशन निकलेगा यार, टेंशन मत लो। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, जिसको बहुत कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम भी बोल देना, उनसे मैच कर जाओगे, खुश हो जाएगा, चल यार मेरा जैसा बोल रहा है। सॉल्यूशन निकालने का टोटल तीन मेथड पढ़ेंगे, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी दो मेथड पढ़ेंगे। अच्छा, इस मेथड में क्या है भाई, एग्जांपल से ही समझाता हूँ क्योंकि एग्जांपल से समझाना बहुत मज़ा आता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही है एग्जांपल, ठीक है। चलो दोनों का इक्वेशन वन और इक्वेशन टू मान लेते हैं। अब क्या करें, देखो यार एक्स या फिर वाई में से एक को इधर छोड़ो और दूसरा को उधर भेजो। y को उधर भेजता हूँ तो इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में आ जाता है, इसको इक्वेशन थ्री मान लेते हैं। और इक्वेशन टू में जो x है ना, तो उस x के जगह में हम लोग 14 - y को रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान? अरे भैया क्या लगता है, हार्ड है? चलो रख के देखते हैं। 14 - y - y यहाँ पर था इसलिए इधर रखे, इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन हमारा आता है y = 5 आ गया। अब x = तुम निकाल सकोगे या नहीं? अरे यार इतना निकाल दिया तो x अभी निकाल देना, ठीक है भैया। फ्रॉम इक्वेशन टू से ही लेते हैं, x - y = 4, देन y की जगह में y का वैल्यू रखो और x = 9 आंसर आ गया। देखो यार सब्स्टिट्यूटिंग मेथड कितना आसान है। इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड ना इससे भी ज़्यादा आसान है यार, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी बस इतना ही रखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड तक ही आज रखते हैं। तुम इसका एक्सरसाइज बनाने का कोशिश करना, और नहीं तो फिर मैं हूँ ना, क्या टेंशन लेते हो यार, एक्सरसाइज भी मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं, मैं हूँ ना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे।